उधर इसराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इसराइल ने गाजा में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह की धमकी से गुस्से में नेतन्याहू, इसराइल ने गाजा में की बारूद की बारिश। जंग के 29वें दिन गाजा पर हमले भीषण। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा थर्रा गया है। पिछले 24 घंटे में गाजा में बम, गोले और बारूद की बारिश हो रही है। हमास का खात्मा करने के लिए इसराइल ने अपना फाइनल मिशन लॉन्च कर दिया है। और अब हमास के साथ हिजबुल्लाह भी सीधे तौर पर इसराइल के टारगेट पर आ गया है। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद आई ये तस्वीर इसराइल गाजा बॉर्डर की है। इसराइल ने देर रात गाजा पट्टी पर सीरियल रॉकेट अटैक किए। दक्षिणी इसराइल से एक के बाद एक कई रॉकेट आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर दागे गए। दावा है कि इस हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 पार कर चुका है, जबकि हजारों मकान जमींदोज हो चुके हैं। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हमास की तरफ से दावा किया गया कि इसराइल की सेना ने गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल के बाहर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ और लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर कई लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया गया। मतलब इसराइल और हमास के बीच युद्ध हर बीतते दिन के साथ भीषण होता जा रहा है। जिसकी कीमत हमास के साथ साथ गाजा के लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन अभी भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे, और 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला हुआ, जिसमें 1,500 लोगों की मौत हुई, उसे जिहाद बता रहे हैं। हसन नसरल्लाह ने दावा किया है कि इसराइल के कई सालों से किए जा रहे ऐसे ही जुल्मों ने हमास को 7 अक्टूबर जैसा हमला करने पर मजबूर कर दिया। हसन नसरल्लाह ने धमकी देने के साथ अमेरिका से हथियार लेने पर इसराइल की सेना का जमकर मजाक उड़ाया। नसरल्लाह ने दावा किया कि इसराइल की सेना के पास हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ निपटने की ताकत नहीं है और इसराइल जंग में बुरी तरह डरा हुआ है। नसरल्लाह ने कहा कि इसराइल को इस बात का डर सता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ जंग में उतरा तो इसराइल का क्या होगा। नसरल्लाह ने यह भी दावा किया कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतरा तो इसराइल को अमेरिका भी नहीं बचा सकता।
हमास से जारी जंग के बीच नसरल्लाह की इन धमकियों के बाद अब इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के चीफ को दो टूक कह दिया कि वो इसराइल को मिटाने के सपने देखना छोड़ दे। हसन नसरुल्लाह को जवाब देते हुए नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इसराइल की उत्तरी सीमा पर अगर हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ने की गलती की तो उसका सफाया हो जाएगा। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी गलती की वो कीमत चुकाएगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ भड़के नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया कि इसराइल के दुश्मन देश उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके साथ उन्होंने सीधा संदेश दे दिया कि जब तक हमास बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को सुरक्षित रिहा नहीं करता तब तक हमास के साथ कोई युद्ध विराम नहीं होगा क्योंकि इसराइल की सेना अब पीछे हटने वाली नहीं है। पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह लगातार लेबनान सीमा पर हमले कर रहा है जिसका जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने भी अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है और अब हिजबुल्लाह की धमकी के बाद जंग और भी ज्यादा भीषण होने वाली है। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।